ये जो तबस्सुम और तरुण है ये तो भुवनेश्वर में रहता है, तुम एसएचओ को लेटर लिखोगे लखनऊ वाले कैसे सुनेगा, थोड़ी ना सुनेगा मेरी जान। अगर सक्सेसफुल बनना है तो इस क्वाड्रेंट को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। ये बॉल आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा या घर में भी होगा, ये छोटा सा बॉल है। Hi everyone, this is Pay. Welcome to Educational Hikes. आज की ये वीडियो ना क्लास 10th के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सैंपल पेपर का पार्ट बी पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, वो भी रट के नहीं, ट्रिक्स से। ऐसे जबरदस्त शानदार ट्रिक्स जिसे अगर आपने एग्जाम में यूज किया तो मेरी जान 40 नंबर पार्ट बी के कहीं नहीं गए। जैसे ही हमने इंग्लिश सैंपल पेपर का पार्ट ए पूरी तरीके से सॉल्व करके अपलोड किया ना अपने चैनल पर, आप लोगों की डिमांड आने लगी कि भैया पार्ट बी भी चाहिए। तो आई एम हियर विद द सेम पार्ट बी। आज मैं आपके सामने अपने कुछ बनाए गए तरीकों से, ट्रिक्स से बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत मजेदार है। और जिन महानुभावों ने अभी तक पार्ट ए की वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर जाके लिंक पर क्लिक करें, पार्ट ए आपके सामने खुल के आ जाएगा, पार्ट ए की वीडियो को देखो, मजा ना आए तो कहना। नाउ नाउ एंड नाउ पार्ट बी। पार्ट बी हमारा राइटिंग सेक्शन का पार्ट होता है और इसमें सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है आपके इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, रिटन में देने पड़ेंगे। यस, नाउ मैं आपको बता दूं कि सेक्शन बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आपको लेटर से रिलेटेड होगा, लेटर, लेटर से रिलेटेड होगा। और लेटर आपको दो तरीके के पूछे जा सकते हैं, कौन सा, कंप्लेन लेटर पूछा जा सकता है, या कंप्लेन लेटर के अलावा प्लेसिंग ऑर्डर वाला जो लेटर होता है वो भी आपको हो सकता है सेक्शन बी के पहला क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। जैसे देखो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर दो लेटर्स लिखने के लिए दिए हैं, आपको लिखना है केवल एक। सो चलो स्टार्ट करते हैं यार और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है और हम इसे कैसे ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको नीचे ये देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दो लेटर्स आपके सामने दिए हैं, आपको करना केवल एक है। पहला लेटर जो है हमारा वो आपको एसएचओ को लेटर लिखना है। एसएचओ का मतलब क्या होता है, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर। आपका कोई लोकल थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो वहां का जो इंचार्ज होता है, जो हेड होता है, उसको हम कहते हैं स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो हमें पहला लेटर लिखना है एसएचओ को। हो सकता है आपके मेन एग्जाम में भी एसएचओ को ही लेटर लिखने के लिए आ जाए। चलो अब देखो, लेटर लिखना है हमें एसएचओ को, क्या कह के लिखना है, कहना है कि भैया हम तबस्सुम हैं और अगर लड़के हो तो तुम तरुण हो। ठीक है, तुम सत्यनगर कॉलोनी में रहते हो जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। ठीक है, तुमने देखा कि तुम्हारे ही कॉलोनी के कुछ रहने वाले लोग ने क्वारंटाइन रूल्स को तोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको एसएचओ को लेटर लिखना है और कहना है कि एसएचओ साहब ये जो लोग हैं ना ये सभी कॉलोनी की लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं रूल को तोड़कर, आप इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो कैसे लिखोगे इसे, क्या फॉर्मेट है और क्या तरीका है, देखेंगे हम अपनी इस आंसर से। सो चलते हैं यार। ओके, तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था एसएचओ को लेटर लिखना था, वो कैसे लिखोगे यार आप। देखो एसएचओ को लेटर लिखना मतलब ये इनफॉर्मल लेटर में आता है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, फॉर्मेट भी बताऊंगा और आप कैसे आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत ही आसान से बताऊंगा। चलो देखो यहां पर, देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आता है भाई सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता आपको एड्रेस कहां मिलेगा, पहली ही लाइन में देखो लिखा है कि तुम कौन हो, तुम तबस्सुम हो या तुम तरुण हो और रहते कहां हो, तुम रहते हो सत्यनगर कॉलोनी जो कि भुवनेश्वर में है ओरिसा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख दोगे कि सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर ओरिसा। तो भाई पहली तीन लाइन में सेंडर्स एड्रेस लिख दिया तुमने, फिर एक लाइन को छोड़ो, अपनी नेक्स्ट लाइन में तुम लिखोगे डेट। जैसे जब मैं ये लेटर लिख रहा था तो इसकी डेट थी 4th मई 2021। आप जब एग्जाम दे रहे हो
तब का डेट लिखना कि फोर्थ में, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 4 मई 2021 को ही तुम्हारा इंग्लिश का पेपर पड़ जाए, ठीक है, तो उसी दिन आपने लिख देना, ये डेट लिख देना। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है और हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। मेरी जान, जहां तुम भेज रहे हो उसका भी तो एड्रेस डालना पड़ेगा ना तुम्हें, बिल्कुल डालना पड़ेगा। और वो कहां मिलेगा आपको, यही यही कहीं मिल जाएगा। देखो, राइट अ लेटर टू द SHO, SHO को लेटर लिखना है, और कहां के SHO को, ऐसा पुलिस स्टेशन जो आपके अगल बगल हो। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे टू द SHO, अपने अगल बगल के थाने का नाम लिखना। जैसे मैंने लिख दिया सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर, क्योंकि भैया ये जो तबस्सुम और तरुण है ये तो भुवनेश्वर में रहता है। तुम SHO को लेटर लिखोगे लखनऊ वाले, कैसे सुनेगा, थोड़ी ना सुनेगा मेरी जान। जहां पर जो सेंडर्स एड्रेस जो होता है, ठीक है, वहीं पर हमारा रिसीवर्स एड्रेस भी होता है। समझ में आया, बिल्कुल सही। तो हम क्या लिखेंगे, टू द SHO सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर। अब उसके बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट। आप लेटर लिख किस लिए रहे हो, चलो सब्जेक्ट देखो, कोई भी कंप्लेन लेटर आए ना तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स। अब क्या कंप्लेन करनी है वो आप आगे जो भी क्वेश्चन में कंप्लेंट दिया हो वो वहां पर लिख दोगे। जैसे क्वेश्चन में क्या कंप्लेंट दिया गया है कि कुछ रेसिडेंट्स हैं जो क्वारंटाइन का जो रूल है उसको तोड़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स द फ्लॉटिंग ऑफ रूल्स, फ्लॉटिंग ऑफ रूल्स बाई रेसिडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना जो सब्जेक्ट होता है वो टू द पॉइंट और एकदम प्रिसाइज होता है, क्योंकि अगर किसी के पास लेटर गया और अगर उसको पूरा टाइम नहीं है कि वो पूरा तुम्हारा लेटर पढ़े, तो वो सब्जेक्ट पढ़ता है कि भाई साहब ये लेटर लिखा क्यों है, और उसी में तुमने पूरा एकदम गाथा लिख दिया है सब्जेक्ट में, तो थोड़ी ना तुम्हें नंबर देगा एग्जामिनर, नहीं देगा। सब्जेक्ट हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो सब्जेक्ट ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स द फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स बाई रेसिडेंट, गॉट इट। चलो, अब उसके बाद सर मैडम, अगर आपको पता है कि आपके जो स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर हैं वो सर हैं कि मैडम, तो आप लिख सकते हो, मुझे नहीं पता तो मैंने दोनों लिख दिया कि सर और मैडम, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आप देखो जो बॉडी ऑफ लेटर आती है सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यहीं पर होती है, क्योंकि उन्हें अपने वर्ड्स में बॉडी ऑफ लेटर लिखना होता है कि नहीं है। चलो, आज मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा ना कि बिल्कुल लिखने में दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले बॉडी ऑफ लेटर में आता क्या है, सबसे पहले बॉडी ऑफ लेटर में आता है ओपनिंग, मतलब आप लेटर की शुरुआत कैसे करोगे, कैसे करोगे, इस लाइन से, I would like to draw your attention। कोई भी कंप्लेन लेटर आए पहली लाइन यही लिखना, I would like to draw your attention। अब उसके बाद जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है एक दो लाइन में, जो ओपनिंग वाली लाइन होती है वो लगभग 2 से 3 लाइन की होती है, ठीक है, जिसमें का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो होता है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किस तरफ, कंप्लेन क्या है तुम्हारी, वो आगे तुम अगली 2-3 लाइन में लिख दोगे। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपने ये भी लिख दिया, आपने ओपन कर दिया लेटर को, अब बीच में क्या लिखोगे, आप बीच में अपने सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे कि कंप्लेन क्या है आपको। कंप्लेन मतलब समझ रहे हो, जैसे यहां पर आपके कॉलोनी के कुछ बच्चे या कुछ लोग रूल को तोड़कर बाहर जा रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं, तो आप भी कंप्लेन में बिल्कुल यही लिखोगे। जो भी यहां पर लेटर में लिखा गया है कंप्लेन, उसी को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके 2-3 लाइन इसका लिख देना, हो गया 6 लाइन। अब उसके बाद लास्ट में थर्ड वाला चीज आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि भाई हमने ये देख लिया, हमने ओपनिंग कर लिया लेटर का, हमने कंप्लेन भी कर दिया कि हमें क्या कंप्लेन है, फिर हमें ये बताना है साहब
SHO साहब को कि साहब इस कंप्लेन करने से, मतलब ये जो रूल्स ये लोग तोड़ रहे हैं इससे लोगों को इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट के बारे में भी दो तीन लाइन बता दिया। उसके बाद चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट, अपील क्या करोगे तुम SHO साहब से, तुम चाहते क्या हो। अपील की स्टार्टिंग तुम इस लाइन से कर सकते हो, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी रहूंगा अगर आपने ये कर दिया। मतलब आप अपनी इच्छा बताओ कि तुम चाहते क्या हो, तुमने लेटर लिखा इतनी मेहनत करके, तो भाई तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी अपील क्या है, वो तुम लास्ट की एक दो लाइन में लिख सकते हो। जैसे यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि वो जो रेसिडेंट्स हैं उनके खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन चाहता हूं, ठीक है, वो हो गया आपका अपील। उसके बाद भाई बहुत ही सिंपल, थैंकिंग यू लिखो, फिर लिखो योर्स सिंसियरली, चलो, और बोर्ड आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपना नाम लिखो, तो जो क्वेश्चन में नाम लिखा है तरुण, तो आप यहां पर लिख देना तरुण, समझ में आया। अब चलते हैं हम अपनी इसी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट बी है, वैसा क्वेश्चन सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम पूछा है यार, तो देखना तो बनता है ना कैसे करते हैं। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, यार देखो पढ़ते हैं क्या है ये क्वेश्चन, क्या इसमें ट्विस्ट है। वैजंती विजय फ्रॉम प्रकाशन नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। तुम विजय हो या वैजंती हो, तुम प्रकाशन नगर सिकंदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां से हो। अब आपको लेटर लिखना है बुक हेवन स्टोर वाले को, उनसे रिक्वेस्ट करना है फॉर होम डिलीवरी ऑफ बुक्स स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स यू हैड ऑर्डर्ड टेलीफोनिकली। ट्विस्ट यहीं पर है, नॉर्मल सीबीएसई हमें लेटर ऐसे देती है कि वो लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देगी, हम उन लिस्ट ऑफ आइटम्स का यूज करके लेटर लिखते हैं कि हमें ये आइटम चाहिए, आप हमें जल्दी जल्दी भिजवा दीजिए, ये तो होता है प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। बट यहां पर ट्विस्ट ये है कि हमने पहले से ही ऑर्डर करके रखा है, हमें बुक वाले को लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भैया मुझे जो मेरी मटेरियल जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे घर पे डिलीवरी करवा दीजिए, और रीजन भी बताना है आपको कि आप उस दुकान पर जाकर क्यों नहीं ले पा रहे हो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना है और अपना टाइम बताना है कि किस टाइम तुम इस ऑर्डर को कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब है तो थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन, पहली तीन लाइन में हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस कहां दिया होता है, बिल्कुल फर्स्ट वाली लाइन में, देखो प्रकाशम नगर सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, फिर आपको लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है उस बुक वाले का एड्रेस जिसे तुम लेटर लिख रहे हो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बुक हेवन स्टोर, ठीक है। अब आपको आना है सब्जेक्ट लिखने कि तुम लेटर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर होम डिलीवरी ऑफ प्री ऑर्डर्ड मटेरियल्स, मैंने पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट टू द पॉइंट या प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को आपके सब्जेक्ट देख के ही पता चल जाए कि लेटर लिख क्यों रहा है ये, ठीक है। जैसे मैंने एकदम बहुत ही टू द पॉइंट लिख दिया कि मैं होम डिलीवरी करवाना चाहता हूं उन मटेरियल्स का जो मैं पहले से ही ऑर्डर कर दिया हूं, तो पढ़ने वाले के दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये काम है। चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। मैंने इस पूरी बॉडी ऑफ लेटर को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे देखो यहां से यहां अलग कैटेगरी है, यहां से यहां तक अलग कैटेगरी है, और यहां से लास्ट तक अलग कैटेगरी है। कैटेगरीज को याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना बहुत आसानी से याद कर लोगे। जैसे देखो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, विजन ऑफ राइटिंग लेटर, आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो, सबसे पहले तो वही बता दो तुम, ठीक है। तो पहली तीन लाइन में हमने ये बता दिया। उसके बाद जो बीच वाली दो लाइन होती है उसमें आपको बताना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम ये ऑर्डर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यहां पर बोला है ना रीजन भी बताओ, ठीक है। तो रीजन बता दिया हमने बीच की दो लाइन में। अब लास्ट की जो तीन लाइन आती है, अब तुम सॉरी बोलने के लिए लेटर लिख रहे हो, तो तुम अपना क्या लिखो, तुम क्या कमिट कर रहे हो, अपना कमिटमेंट लिखो कि तुम क्या क्या करवाना चाहते हो और इसके लिए मुझे क्या फायदा होगा, सॉरी कमिटमेंट होगा, हाँ गॉट इट। चलो कमिटमेंट, चलो लास्ट की तीन लाइन कमिटमेंट में कि भैया तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूं, उसके बाद मेरा जो भाई है ना वो आपके ऑर्डर को रिसीव कर लेगा जो कि कल आ रहा है, ठीक है। आई होप यू विल बी सो गुड
as to grant my wish, मुझे पता है कि आप इतने अच्छे तो हो ही कि आप मेरी इतनी सी विश तो पूरी कर दो, ठीक है। लास्ट में वही अपना yours truly, अपना नाम जो भी है एक्स वाई जेड, अपना हो सके तो आप यहां पर थैंक यू भी लिख दो, बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही अलग तरीके का लेटर। अब हम चलते हैं अपने नाइन्थ वाले क्वेश्चन में और देखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये इस बार के सीबीएसई का एकदम नया एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। अभी तक पिछले साल तक इस क्वेश्चन की जगह पर स्टोरी आती थी लिखने के लिए, बट ये थोड़ा नया है। ये है भैया एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ। अब देखो ये नाम से ही क्लियर है, हमें एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसको हमें एनालाइज करके लिखना पड़े। इस क्वेश्चन में आपको कोई चार्ट दिया होगा, कोई बार ग्राफ दिया होगा या कोई डेटा दिया होगा, आपको उस डेटा को पूरा पढ़ के एनालाइज करके पैराग्राफ लिखना है। कभी भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन मिले ना यार, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ट्रिक होता है करने का। क्या होता है चलो मैं आपको बताता हूं। इसमें भी आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप या तो ए वाला करो या तो ये जो नीचे बी वाला है ना आप उसे करो। चलो अब हम ये बी क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है और कौन सी ट्रिक से आप एनालिटिकल पैराग्राफ को इजिली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी, ये है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको करना क्या है, देखो यहां पर सीबीएसई ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि राइट अ पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्गुमेंट। ये जो आर्गुमेंट दिया गया है ना यहां पर, आप इसके फेवर में हो या इसके अगेंस्ट में हो, यही हमें पूरे पैराग्राफ में लिखना है। अब पहले देखो कि आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट कह रहा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स थे उन पर जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ये गलत किया क्योंकि लोगों के सुविधा के लिए ये प्लास्टिक्स बनाए गए थे। अब जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं, सो दे शुड नॉट बी बैंड, मतलब ये हमारे बड़े काम आते हैं इसलिए इन्हें बैन नहीं करना चाहिए। आप इस बात से सहमत हो या इसके अगेंस्ट में हो, यही आपको इस पूरे पैराग्राफ में लिखना है। देखो ट्रिक क्या है, तरीका क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ करने का। हमने एनालिटिकल पैराग्राफ को देखो, पहली शुरुआत की 2 लाइन, बीच की मिडिल की 3 लाइन और लास्ट की 4 लाइन में डिवाइड कर दिया है। हमें लिखना क्या है इन लाइंस में, जो शुरुआत की लाइन है उसमें आप लिखते हो कि आप ये जो यहां पर कोई आर्टिकल दिया गया है, कोई बात कही गई है, आप इस बात से एग्री करते हो या एग्री नहीं करते हो, आप इसे लिखोगे। उसके बाद आप इस पूरे पैराग्राफ में लिखने क्या वाले हो, इंट्रो दो। जैसे मैंने लिखा है कि आई डू नॉट एग्री दैट द प्लास्टिक बैन इज इम्प्रैक्टिकल, मैंने बता दिया कि मैं एग्री हूं या नहीं हूं। उसके बाद मैंने इस पूरे पैराग्राफ का क्या दिया है, पूरे पैराग्राफ का एक ओवरव्यू, एक पूरा इंट्रो दिया है। देखो क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है कि प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर दें। देखिए कितना ब्यूटीफुली मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, मैंने ये भी बता दिया कि मैं एग्री हूं या नहीं। अब मिडिल की 3 लाइन में आपको बताना है रीजन, आप अगर इस बात से एग्री हो तो क्यों हो, अब अगर आप इस बात के एग्री में नहीं हो, आप इस बात के खिलाफ हो, अगेंस्ट में हो, तो क्यों हो। चलो जैसे देखो मैंने लिखा है कि प्लास्टिक बैन गलत है, ये इसके मैं खिलाफ हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि जो गर्म खाना होता है वो प्लास्टिक के डिब्बों में रिएक्ट करके खराब हो जाता है और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। नेग्लिजेंट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जो हम आजकल पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं ना, इससे क्या होता है नालियां जाम हो जाती हैं, जानवर उसे अंदर निगल लेते हैं, कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने मिडिल वाले पैराग्राफ में क्या दिया, मैंने रीजन बताया कि मैं क्यों तुमसे सहमत नहीं हूं, ठीक है। अब देखो लास्ट में हम देंगे अपना सजेशन, ये जो आखिर की 4 लाइन है इसमें हम अपना सजेशन देंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे देखो सिटीजन्स मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, लोगों को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए और दुकानदारों को, ये जो हैबिट है ना हम लोग की पॉलिथीन मांगने चले जाते हैं दुकानदारों से, तो दुकानदारों को क्या करना चाहिए,
पैसे लेकर तब पॉलिथीन देने चाहिए, लोगों का हैबिट टूट जाएगा इससे। ठीक है, तो हमने लास्ट में अपना सजेशन दिया है कि लोगों को करना क्या चाहिए। समझ में आया ये पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ का चक्कर? बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगा के करो, सब कुछ हो जाएगा। अब आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन ना पूरे सैंपल पेपर का सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपने थोड़ी सी दिमाग लगाकर आंसर्स लिखे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे देखो, लिटरेचर में दो बहुत ही तगड़े ट्रिक्स हैं जो काम करते ही करते हैं। सबसे पहला क्या, देखो जहां से क्वेश्चन की एंडिंग हुई हो, क्वेश्चन एंड जहां पर हुआ हो, आंसर वहीं पर स्टार्ट होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देखो, हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूएल बिहेवियर टूवर्ड्स वांडा, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि पेगी जस्टिफाई हर क्रूएल बिहेवियर टूवर्ड्स वांडा। अब अपना पूरा आंसर जो भी है वो लिखो। मतलब सबसे पहला ट्रिक ये है, जहां पर क्वेश्चन खत्म हो वहीं से हमें आंसर स्टार्ट करना चाहिए। समझ में आया? दूसरा ट्रिक भाई, टेक केयर ऑफ टेंस। टेक केयर ऑफ टेंस, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आपका आंसर होना चाहिए। याद रहे, जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन डिड लिखा है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है। अब जब आप आंसर लिखोगे तो आप सभी पास्ट फॉर्म का यूज करोगे। समझ में आया? तो ये हमारे दो ट्रिक हो गए। अब तीसरा भी ट्रिक अगर आप चाहो तो लगा सकते हो कि भैया इसमें हमें क्या करना है, स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग, क्योंकि लिटरेचर में स्पेलिंग के नंबर कटते हैं। इन्हीं तीन बातों का ध्यान रखो, लिटरेचर में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो, एक एक क्वेश्चन को करवाना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं आपको सभी ये जो सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं लिटरेचर के, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इन सभी के आंसर्स एक पीडीएफ फॉर्म में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लिक करो लिंक पर, पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आंसर को जाकर एक जगह देख सकते हो। हाय एवरीवन, अगर आप आईआईटी और नीट के फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है आईआईटी नीट का फुल रिवीजन फाउंडेशन बैच। इस बैच में आपको आईआईटी और नीट में आने वाले चार मेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, फिर से रिवाइज करा जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑलरेडी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है। सो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करो और बैच को ज्वाइन करो। सो बाय बाय। So this is all about the whole sample paper. I hope आपने दोनों पार्ट देखा होगा। I hope कि आपको यार पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।